हेलो पल्लवी, गुड इवनिंग. भूमिका, गुड इवनिंग. तनप्रीत, गुड इवनिंग. अंकिता, गुड इवनिंग. बस तुम्हारे केमिस्ट्री में भी इतने बच्चे आ रहे हैं यार. नो नो मैम, कितने हैं? ज्यादा है? मैम 25 थे आई थिंक। अच्छा, 25 थे. कौन कौन पढ़ के आया आज? अरे, मैंने कहा नहीं था टेस्ट है तुम लोगों का? अरे, टेस्ट है या नहीं बोला था या नहीं? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग तन्वी. बच्चों, तुम्हें याद है कि मैंने कहा था तनप्रीत, आरुषि, तन्वी, आशा? यस मैम। हाँ, तो तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? मतलब यस पढ़ के मैम। नहीं आया हो, है ना? मैम पढ़ के आई हूँ। तो बोलते क्यों नहीं हो फिर? सन्नाटा ज्यादा पसंद है? कह रहे हो नहीं मैम, हम नहीं बोलना चाहते. आप ही बोल लो, थक गए हम, है ना? आरुषि, पढ़ के आयो. यस मैम। तन्वी, पढ़ के आयो. यस मैम। ठीक है, ओके. गुड इवनिंग अनु, हाउ आर यू? कौन कौन पढ़ के आया है खुद ही बता दो. मैम, पेपर का कल पढ़ा था तो ये नहीं पढ़ पाया, आज एग्जाम था. तो गुड इवनिंग रिंकी, अंजना, गुड इवनिंग. ओके, सोनू देवी, गुड इवनिंग. नताशा, तनप्रीत. वो यार, पूरे 21 बच्चों में से बस तनप्रीत और आरुषि ने पढ़ा है. पल्लवी ने पढ़ा है, भूमिका ने पढ़ा है, गर्ड. तन्वी ने पढ़ा है, ठीक है. मैम, मैंने भी नहीं पढ़ा है क्योंकि मेरा एग्जाम था. ठीक है, सब पढ़ाकू बने हुए हैं. चलो, कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रही हूँ वही बहुत है. चलो ठीक है, फाइन. सो एक क्विक रिवीजन करते हैं यार कि कल हमने क्या किया. पर उससे पहले, एक सेकेंड, उससे पहले किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से मुझे बताओ कि मैम नहीं कुछ समझ में आया. क्लोरोप्लास्ट, पास्ट, प्लास्टिड, जी सबको समझ में आ गया था सबको. मैम, मैंने भी नहीं पढ़ा क्योंकि टेस्ट हो रहे हैं रोज. अच्छा ठीक है, तो फिर कब पढ़ोगे आप? तो अगर टेस्ट हो रहे हैं रोज, तो ये क्लास तो रोज ही चलेंगी, है ना? नहीं, कल की क्लास से कोई डाउट है किसी को भी? ठीक है, तो बेटा, नेक्स्ट मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये कर देती हूँ कि नेक्स्ट वीक से, क्योंकि अब हमने जो मेन टॉपिक था वो तो कंप्लीट कर लिया है. सो नेक्स्ट वीक से मैम आपको असाइनमेंट्स देंगे. एंड लास्ट एक वीक से हमने क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किए हैं कुछ चैप्टर्स के, है ना? तो हम वो चैप्टर्स भी सॉल्व, क्वेश्चन के, सॉरी, चैप्टर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, यानी नीट परस्पेक्टिव में भी और आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो इजी हो जाएगा आप लोगों को भी कंसेप्ट याद रखने में कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट, कोई भी पॉइंट मिस आउट ना. ठीक है? हाँ, यो मैम। यू मैम, हाँ जी. यो चलो, मैम। लेट्स स्टार्ट. ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट. 1 मिनट. ओके ओके, इतना सुस्त सुस्त होके क्यों आ रहे हो यार? क्या हो गया श्रुति आज? श्रुति, आवाज आ रही है आपको? ओके, यस मैम। क्या हो गया इतना लेट? कोई जवाब ही नहीं. ठीक है, ओके. सो फटाफट से मुझे बताओ कि
जब एक बार न्यूक्लियस से आके कौन चिपकता है? ये ईआर वेरी गुड, ईआर यार से ये क्या निकल रहा है? वैक्यूम वेसिकल्स, इन द वैक्यूम फॉर्म ऑफ, वेसिकल्स वेरी गुड, इन द फॉर्म डिस्कस ऑफ, फटाफट से सब चैट पे लिखो, ये वेसिकल्स दे आर फॉर्मिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ, राइट इट डाउन इन द चैट, 15 सेकेंड्स एवरीवन। अरे चैट ही नहीं आई, क्या हो गया? व्हाट आर दीज वेसिकल्स इन द फॉर्म ऑफ बच्चों? चैट पे लिखो यार, क्या हो गया? बस एक को ही पता है, अनजाना, बाकियों को नहीं पता। मेरी आवाज नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है आवाज यस मैम, प्रॉपर, एकदम क्लियर? यस मैम, ठीक है, तो एक बार बेटा लॉग इन करके लॉग आउट हो जाओ, सॉरी लॉग आउट करके लॉग इन कर लो। कट हो रही है, लॉग इन होकर लॉग आउट कर लो यार, लॉग इन कर लो। अगर बीच में कोई कॉल आ जाता है या कुछ आवाज कम हो जाती है तो फिर दिक्कत होगा। कहाँ है यार तुम लोगों के आंसर्स? आरुषि, नैन्सी, भूमिका, अमनदीप, साक्षी, कहाँ है आंसर्स? नहीं पता, एक ने राइबोसोम बोला, सबने राइबोसोम बोला, सब गलत बोल रहे हो, सब गलत बोल रहे हो बच्चों, एक दूसरों का कॉपी मत करो। क्या बोला भूमिका? एसिड। अच्छा भूमिका क्या कह रहे हो? लिपिड प्रोटीन। यस, लिपिड एंड प्रोटीन्स, गुड, सो इट्स लिपिड एंड प्रोटीन्स, नॉट राइबोसोम्स। ठीक है, ठीक है, तो वंस, ये कौन सा पार्ट है? फटाफट से लिखो गॉल या पेटस। चैट पे बेटा, चैट पे, सॉरी मैम, चैट पे लिखेंगे, चैट पे लिखेंगे, चैट पे। गॉल्जी ऑपरेटस, गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी, गुड, वेरी नाइस, गुड जॉब एवरीवन। सो दिस इज गॉल्जी बॉडी। जब एक बार ये लिपिड एंड प्रोटीन इसके अंदर चले जाते हैं तो इस फेस का क्या नाम रहता है? कौन सा फेस है? चार्ट पे लिखो। जब लिपिड एंड प्रोटीन गॉल्जी बॉडी में घुस जाते हैं तो उस फेस का कौन सा नाम होता है? गुड, सिस फेस। और जब ये ही छोटे छोटे वेसिकल्स यहाँ पे आते हैं, ये मैच्योर हो जाते हैं, है ना? तो मैच्योर होके ये कौन से फेस से बाहर निकलते हैं बेटा? इस पर लिखो मैंने भी बोल ही दिया। हाँ गुड, ट्रांस फेस, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये इसमें से कौन कौन से वेसिकल्स निकलेंगे, नाम बताओ फटाफट से। देखो कैसे सी शेप बना रही है, स्माइली जैसा सा ना। तो इन दोनों को क्या नाम है? जी, जो छोटे छोटे आई सी दिख रहे हैं हमें, एक दूसरे का वेट करे, पहले वो आंसर दे फिर मैं आंसर दूंगा या दूंगी।
हाँ एक का भी जवाब नहीं आ रहा है मुझे। लाइजोसोम। ठीक है ट्राई किया, गुड जॉब। लाइजोसोम, वैक्यूल्स, गुड। गुड। वी हैव, यस, भूमिका चार्ट चार्ट यूज करना है बेटा। ठीक है, सो वी हैव लाइजोसोम्स एंड, वैक्यूम। वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये जो है ये वैक्यूल है, इसके मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? चार्ट पे लिखो, चार्ट पे। इस मेम्ब्रेन को, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? गुड, वेरी गुड अंजना, नाइस, गुड जॉब, शाबाश बच्चे, गुड। तनप्रीत, वेरी नाइस। अंकिता, गुड जॉब। नैन्सी, गुड। पलक, गुड, क्या बात है। स्वास्तिक भी, पलवी, आरुषि भी, गुड। श्रुति, रिया, भूमिका, शिवानी, साक्षी, अमनदीप, तुम दो दो बार क्यों लिख रहे हो यार? ठीक है, गुड। रिंकी, नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब जो ये वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर कोई दो चीज बताओ जो अपने पास रखता है, कोई भी दो चीज, एनी टू थिंग्स दैट इट कीप्स इनसाइड द टोनोप्लास्ट, व्हाट इट इज? वेरी गुड, नाइस, गुड जॉब, वेरी गुड। वाटर, स्वस्तिक, एक और सैप, गुड गुड, वाटर सैप, ठीक है, ओके ग्रेट, नाइस। ठीक है, और जो एक मिनट, जो हमारा ये एक फ्रूट है, अगर ये फ्रूट मुझे व्हाइट कलर में दिखे तो उसको हम क्या बोलेंगे? चैट, चैट पे। इफ आई हैव अ फ्रूट एंड वो फ्रूट व्हाइट कलर में है, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड, नाइस अरुषि, गुड जॉब। चलो चलो शाबाश, जल्दी जल्दी लिखो यार फटाफट, बाकियों को पता ही नहीं है। यस, ल्यूकोप्लास्ट, गुड जॉब एवरीवन। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं बेटा क्योंकि ये व्हाइट कलर में होते हैं, इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता। अब यही फ्रूट अगर ऑरेंज में बदल जाए तो इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? यही वाला फ्रूट अगर, गुड नाइस, सिर्फ एक आरुषि ही है जो एक सेकंड में आंसर दे रही है, बाकी सब सो गए हो क्या? कैरोटीन, कैरोटीन नहीं, कैरोटीनॉइड। हाँ चल, गुड जॉब दैट यू ट्राइड, गुड। तनप्रीत, गुड। तन्वी, गुड। पलक, गुड। रिंकी, भूमिका, गुड जॉब। श्रुति, गुड। साक्षी, गुड। पलक, गुड। अंकिता, गुड। साक्षी, गुड। पल्लवी, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैरोटीन, कैरोटीन नहीं, सीओ, कैरोटीन, ठीक है। करिश्मा, कैरोटिनोइड, ईडी, ओके फाइन। कैरोटीन क्यों नहीं? कैरोटीन क्यों नहीं? क्योंकि उसका मन नहीं। कैरोटीन, कैरोटीन इज लाइक, आप आगे पढ़ोगे माइक्रोफिलामेंट्स में, ठीक है। कैरोटिनोइड बेटा पिगमेंट का नाम है, दैट्स अ नेम ऑफ द पिगमेंट, ठीक है। एंड कैरेटीन ऐसा होता है, स्पेलिंग गलत, स्पेलिंग गलत है ना। चलो नेक्स्ट, ओके। आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, सबको समझ में आ गई थी कल? कोई था कि मैम नहीं समझ में आया तो बता देंगे एक बार? शिवानी, शिवाना, भूमिका, अच्छा काफी को नहीं समझ में आया, ठीक है, ओके। तन्वी, ओके ठीक है। देखो यार, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है वो कहाँ हुई थी? वो एंडो का मतलब होता है अंदर, सिम्बायोटिक यानी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है। अब गहरे सागर के अंदर, कहानी की तरह सुनना है इसको, गहरे सागर के अंदर एक बड़ा सा प्रोकैरियोट घूम रहा था, उसको लगी थी भूख,
उसने एकदम से देखा यार एक छोटा सा प्रोकैरियोटिक घूम रहा है वहां पे, तो उसने उसको खा लिया। जब उसने उसको खा तो लिया, लेकिन प्रोकैरियोट जो स्मॉल प्रोकैरियोट है, तो भाई मुझे मत खा मुझे मत खा। तो प्रोकैरियोटिक बिग प्रोकैरियोटिक कहता क्यों ना खाऊं भाई, मुझे खाना मिला तो मैं क्यों ना खाऊं, है ना। कहता नहीं यार अगर तू मुझे खा जाएगा तो मैं तुझे अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं दे पाऊंगा। तो प्रोकैरियोटिक बड़ा बिग प्रोकैरियोटिक कहता मतलब क्या है तेरा कि तू मुझे क्या प्रॉपर्टी देगा, तू तो है ही छोटा सा, मैं तुझे खा जाऊंगा तो खत्म हो जाएगा। कहता अरे सुनो तो सही, किसने बोला, छोटे वाले प्रोकैरियोटिक ने, बड़े वाले प्रोकैरियोटिक को। तो कहता कि यार मैं तुमको अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा, बस उल्टे में मुझे तुम अपने साथ रहने दो। तो प्रोकैरियोट बिग बड़े वाले प्रोकैरियोट ने सोचा ठीक है चलेगा। तो फिर ये दोनों साथ में रहने लग गए, जिसके वजह से क्या हुआ, जो बड़ा वाला प्रोकैरियोट सेल था बेटा, उसने अपने आप को यूकैरियोट में कन्वर्ट कर लिया, और जो छोटे वाला प्रोकैरियोट सेल था उसने अपने आप को मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, जो हमने कल पढ़ा। ठीक है, अब हुआ क्या, अब जब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कल दिया था कि मैगी खाना किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है ना, मुझे आपको क्या, मुझे भी पसंद है। ठीक है, कार्टून कौन कौन देखता है, डोरेमोन मैं ऑडी, है ना, ये सब कुछ, है ना, मैं भी हूँ उसमें, मैं भी देखती हूँ। ठीक है, तो कई चीजें होती है ना जो आपको जो पसंद है आप वो देखते हो करते हो, है ना, चाहे आपको कोई भी कहे यार कैसी बच्ची सी है अभी भी कार्टून देखती है ना, कैसा बच्चा सा है अभी भी कार्टून देखता है, कैसे बच्चे से मैगी खाता है, तो ये सब चलता है, कोई कुछ नहीं कह सकता आपको। ठीक है, तो वैसे ही ये भी इस वजह से इसके पास क्या हुआ ना, जो बड़ा वाला था उसके पास तो था ही अपना यूकैरियोटिक, उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, और ये छोटे वाले के पास क्या रह गया, 70S। इसीलिए जो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास ही 70S राइबोसोम्स है। समझ में आ गया। अब बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों का जो प्रोसेस है वो फ्यूजन के थ्रू होता है। राइबोसोम्स 70S रहते हैं, डीएनए सर्कुलर रहता है, ठीक है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का डीएनए बनाता है। समझ में आ गया क्या, हेलो बच्चे, यो मैम यो उसको डाउट था समझ आया, अरे यस जिसको तो समझ आया नहीं, ठीक है मैम, चलो ओके। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव डन टिल यस्टरडे। तो ये थे कुछ, ये सब क्या है, अच्छा हाँ ओके। मुझे फटाफट से चैट पे बताओ कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, चैट पे बताओ, चैट पे किसका स्ट्रक्चर है ये, बहुत बच्चे कंफ्यूज है, अभी भी माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हो, गुड जॉब जिसने मीजोसोम बोला है। ठीक है, मीजोसोम पहले किसने बोला यार, अंजना, गुड जॉब। नीलम एंड श्रुति, हेलो, ठीक है ठीक है। तो बेटा दिस इज मीजोसोम, दिस इज नॉट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कल भी बताया मैंने, वो ऐसे दिखता है, उसकी सिस्टर ने अंदर होती है, ऐसे दिखता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कंफ्यूज नहीं होना, ये मीजोजोम है, बाहर को है, ये देखो बाहर को निकला है ना, यस और नो, यस मैम, अंदर को यो है मैम, ना, यस है मैम, ना। तो अब याद रखना इसके पास ई बहुत है, ई ई, तो ई से एग्जिट, इनवर्ड, अंदर को है, इन यानी माइटो कॉन्ड्रिया, इसके पास तो एक बार भी ई नहीं है यहाँ पे,
आई आई इनवर्ड। तो याद रखना, अगर इसका सिस्टर ने अंदर है तो इनवर्ड है, इन है माइटो, माइटो का आई आ गया ना, मीजोजोम का मीजोजोम। तो देख लो पहले, अच्छा बाहर को निकले यानी बाहर, आउट यानी ओ भी तो है, ओ फॉर आउट, ई फॉर एग्जिट। तो याद रखना, याद रखोगे अब, भूल तो नहीं जाओगे, अब तो ट्रिक भी बता दिया मैंने, ठीक है। अगर यस मैम। अच्छा, अब ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस? बेटा सिस्टर ने क्यों पकड़ा, ऐसा लगा हुआ था, क्या था वो? ऑक्सीजन ऑक्सीजन यस, ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम है ये। तो ऑक्सीजोम को अगर हमने इसको मतलब जूम करके पढ़े तो इसको क्या बोलेंगे, फटाफट से चार्ट पे लिखो। बेस। बोला मैंने चार्ट पे लिखो, ठीक है, यस इसको क्या मैम। बोलेंगे, चार्ट पे लिखो, चार्ट पे लिखो, चार्ट पे लिखो, कोई नहीं बोलेगा, चार्ट पे लिखो फटाफट से। वो जो मैंने एक स्टैंडिंग स्ट्रक्चर बनाया वो क्या है बेटा? ऑक्सीजोम तो पूरे को बोलते हैं ना, ये तो स्टॉक हो गया, और ये क्या है? याद नहीं है क्या, नोट्स नहीं देखे? यस, हेड, आरुषि। हाँ, एफ नॉट तो यहाँ पे हुआ ना, हेड इज F1 पार्टिकल, F1। ठीक है, हेड यस मैम। हेड हेड, यस, ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज F0 F1 पार्टिकल, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? रिवाइज कर लेना यार, एक बार एग्जाम्स खत्म हो जाए, बैठ के इस चैप्टर को पढ़ो। डाउट्स है प्लीज कृपया करके पर्सनली पूछ लो, संडे भी अब तो मैंने बोल दिया, पूछ लेना जब एक बार एग्जाम खत्म हो जाए, क्योंकि ये मैंने बोला है ये कनेक्टेड है। अभी देखो आज मैं जो पढ़ाऊंगी वो कैसे कनेक्टेड होगा, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो यहां तक हो गया था, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है, नो मैम। ओके। चलो राइबोसोम्स के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सो वी हैव राइबोसोम्स ओवर हियर। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस, छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ऑर्गेनली के अंदर ऑर्गेनली होते हैं। और मैंने कल भी बताया था कि जो हमारा आरएनए है वो, जैसे टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, तो अपना आरएनए क्या है? राइबोसोमल आरआरएनए, फाइन। सो वी कैन सी दैट जो हमारे राइबोसोम्स है यार वो दो में डिवाइडेड है, यानी कि एक 70S में है और एक 80S में एटीएस डिवाइडेड है। यस, एंड वी कैन सी दैट इसके अंदर दो सब यूनिट्स होते हैं, एक 50, 70 का, 30 यस, 50, ओ 50S एंड 60 और 40 60 एंड 40, 40 ठीक है, थोड़ा बड़ा ही होगा इससे, तो यस मैम। 60S 40S, ठीक है। अब इसके अंदर भी इनकी डायमेंशंस हैं, वो भी देख लेते हैं कैसे। ठीक है, बट उससे पहले ये याद रखना, अच्छा हाँ, एस, व्हाट वाज एस? एस क्या था? 70S, 80S, एस बताया था ना मैंने, स्पेशल नोट्स लिखवाए थे मैंने, बताओ क्या है एस, यस क्या मैम। होता है? हाँ वैक्यूम हाँ और क्या? वैक्यूम यूनिट। हाँ, तुम इतना स्लो क्यों बोल रहे हो? मम्मी साथ में सो रही है क्या? नो मैम। अच्छा ठीक है, स्वेडबर्ग्स यूनिट। क्यों होता है ये स्वेडबर्ग्स यूनिट बेटा? क्या करते हैं हम इससे, क्या मेजर करते हैं? व्हाट डू वी मेजर? नहीं पता। डेंसिटी एंड साइज, मास एंड मास डेंसिटी, यस, ओके। सो नाउ, अब ये जो राइबोसोम्स आप देख रहे हो यार, ये आपस में वैसे तो अलग अलग है,
लेकिन इनको जोड़ता कौन है, इनको जोड़ता है Mg2+ आयंस, चाहे ये हो चाहे वो हो, ठीक है। Mg2+ आयंस इनको जोड़ने में हेल्प करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा राइबोसोम्स है वो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, छोटी छोटी ऑर्गेनलीज है, ऑर्गेनली के अंदर ऑर्गेनली है, और राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन्स देता है। और ये बनता कैसे, डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता, इसीलिए वो आरएनए में चेंज होकर प्रोटीन बनाता है। यस गुड जॉब। ओके, अब दो सब यूनिट्स होते बेटा, एक लार्जर पढ़ लिया हमने, एक छोटा, चाहे वो 70S ले लो 50N30, चाहे वो 80S ले लो 60N40, है ना। अब ये देखो ज्वाइन किससे है, मैग्नीशियम प्लस 2+ आयन से। अब सिंगल एमआरएनए, अगर सिंगल एमआरएनए जाके इससे जुड़ जाए, ये कौन है, ये कौन है बताओ। कौन है ये यार एमआरएनए, ये मैंने पता कितनी बार बता दिया है, बोलो बोलो जल्दी, कोई भी बता दो। क्रोमोसोम, एमआरएनए, हाँ क्रोमोसोम यस, सिंगल क्रोमोसोम, राइट, स्मॉल, छोटे छोटे गोल गोल डीएनए, याद आया कुछ नहीं? याद आया, मैम। पढ़ लो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ लो, कुछ ही दिन रह गए हैं, अब नहीं होंगे सीरियस तो आप कब होंगे। पर तुम ना मेरे को डरा रहे हो यार, ऐसा लग रहा है कि या तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, या तो तुम्हें सब समझ में आ रहा है, या तो तुम कुछ चाहते ही नहीं हो, बस ऐसे ही आ रहे हो। कौन है, मस्ती के लिए आ रहा है यहाँ पे? अच्छा कौन कौन सीरियस हो के आ रहा है, सच्ची बताना यार, सच्ची, कि मैम आप जो पढ़ा रहे हो, एक मिनट रुको, कोई नहीं हैंड रेस करेगा, मैम आप जो, रुक जाओ, कोई नहीं हैंड रेस करेगा, मैम आप जो पढ़ा रहे हो, कहीं नहीं हैंड रेस करेगा, बोल रही हूँ मैं, तन भी अलग से लगे हुए हो तुम, सच्ची नो मैम, बता, गलती हो रही है। ठीक है, मतलब मैम आप जो पढ़ा रहे हो वो हमें बेनिफिट है, मैम आप जो पढ़ा रहे हो वो हम खुद पढ़ते हैं, हम पढ़कर आते हैं और फुल फायदा उठा रहे हैं, ऐसा कौन है, सच्ची बोलना, अपने मन को मतलब मैम को मत वो करो। बस 17 बच्चे, बाकी के 10 ऐसे ही आते हैं देखने की मैम पढ़ाते हैं या नहीं, बाकी के 10 के पास क्या रीजन है कि क्यों आते हैं आप क्लास में? ये जो 20 बंदों ने, बच्चों ने हाथ उठाए हैं, तुम क्या बोलते हैं, सच में पढ़ते हो? एक आरुषि, बस यो तन्वी, मैम यो से, यस मैम, श्रुति, यस मैम, स्वास्तिक, ओके, करिश्मा, अंकिता, पल्लवी, अनु, नीलम, हरजाब, तनप्रीत, भूमिका, रंकी, नताशा, शिया, पलक, अंजना, तन्वी, हाँ तन्वी, यहाँ पे भी तो हैंड रेज है तुम्हारा, ठीक है, ओके, चलो आगे। तो यार इतना इजी है ये, क्या इसमें इतना टफ है, मैंने कितनी बार बोला है, ये आपका सिंगल क्रोमोसोम एमआरएनए जाके जुड़ जाता है, उसके ऊपर आके कौन बैठता है, कौन बैठता है उसके ऊपर आके, राइबोसोम, बस इसके पूरे राइबोसोम, प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, पॉलीसोम, बस डिसोम, इतना क्या टफ है इसमें, मैम 3-4 बार बोल चुकी हैं, प्रोक्रियोट में भी पढ़ाया था मैंने, यूकेरियोट में भी आ गया, ये क्यों आ गया, क्योंकि राइबोसोम है और एमआरएनए है, समझो प्रोसेस क्या है, मैं बोल रही हूँ बार बार, सेल चैप्टर समझ में आ जाएगा, अभी मैं आगे देखो जब पढ़ाऊंगी उसमें, एनाफेज, टेलोफेज, सेल डिवीजन है ना चैप्टर, सेल यस मैम, यस मैम, साइकिल है ना चैप्टर, क्रैब साइकिल, टीसीए, ये सब कुछ है, कल पढ़ा था ना हमने, पढ़ा यस मैम, या यस नहीं, मैम,
हाँ, तो ये शब्द कहीं तो सुने होंगे, सिलेबस में है या नहीं? ऐसा तो नहीं कि मैम जो पढ़ा रही है वो नहीं आएगा, आएगा ना वो। ये मैम यस आएगा। मैम। यो मैम के बच्चों, चलो ठीक है। और तो ये सिंगल एमआरएनए दूसरे राइबोसोम के साथ जुड़ के बेटा पॉलीजोम बनाते हैं, ये पॉली राइबोसोम भी कह सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर। और एक पैलेट पार्टिकल है जो कि आप देख सकते हैं, ये पार्टिकल्स आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये कुछ पार्टिकल्स होते हैं पैलेट की फॉर्म में रहते हैं, और ये आप यूक्रियोटिक सेल्स में देख सकते हो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देख सकते हो सिर्फ प्रोक्रियोटिक सेल की। ठीक है, समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनो, मैम ने यहाँ पे कुछ बनाया था यार, ऐसा ऐसा है ना, कुछ ऐसे ऐसे घूमते हुए। अब इसको ध्यान से सुनो, ये कैसे डिवाइडेड है सारे सब यूनिट्स में। 30S में हमारे पास डिवाइडेड है 16 के फॉर्म में, ये रहा, ध्यान से सुनना। इसके बाद मैं एक चीज बताऊंगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, कोई लिखेगा नहीं, मैम टाइम देंगे आपको लिखने का। तो आप देख सकते हैं 50S का मैंने बनाया 30S है ना, सॉरी 70S का मैंने बनाया 30 वाला सब यूनिट, दैट इज 16S आरआरएनए। देन यू हैव 50S में 23S आरआरएनए एंड 5S आरआरएनए। ठीक है, 80S में भी देखो ऐसे है, 40 वाले में 18S है बेटा एसआरएनए, एंड इसमें तीन डिवीजन है, 28 SRNA, 5 SRNA एंड 5.8 SRNA। नाउ लिसन टू द क्वेश्चन, लिसन, पेन सब छोड़ दो, ध्यान से ये क्वेश्चन को सुनो मैम क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन इज विच राइबोसोम हैज 5 SRRNA। ऑप्शन ए 70S, ऑप्शन बी 80S, ऑप्शन सी नन ऑफ देम, ऑप्शन डी ऑल या बोथ ऑफ देम। बोथ बोथ, नॉट ऑल बिकॉज नन है ना उसमें, बोथ। सो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बोथ, बिकॉज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे देखो ध्यान से, 5S 70S में है या नहीं, है ना? यस मैम, अब सेम 5 SRNA की जो डिस्क्रिप्शन है वो 60S में भी, अब 60S कहाँ पे है, 80S में। तो दोनों ही राइबोसोम में यानी 70S में और 80S में, दोनों में ही आपका क्या प्रेजेंट है बेटा, 5 SRNA। ठीक है, अब एक और तरीका हो सकता है इनका क्वेश्चन पूछने का यार, ये भी पूछ सकते हैं कि जो आपका 5 SRNA है वो 60S में प्रेजेंट है या 50S में प्रेजेंट है या किसी में भी नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 60 में भी है और 50 में भी है। देख रहे हो कैसे पूछा है इन्होंने, ऐसे पूछते हैं ये तो नॉर्मल सवाल था, जिसने गहराई में पढ़ा होगा उसको पता होगा इसका आंसर कि यार 50S में भी है 60S में भी है। 50 और 60 की किसके अंदर आती है, 70S के अंदर आती है और 80 के अंदर आती है, बस सिंपल। ठीक है, तो ये डायग्राम को एक बार अपने माइंड में सेट कर लो, और 16 23 5 70S की डिस्क्रिप्शन, 80S की 18 28 5 5.8। ओके, एनी डाउट स्टिल हियर? नो ठीक है, नो, मैम, नो ओके, चलो आगे चलते। और राइबोसोम अपना क्या होता है बेटा, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन करने का ही काम करता है उसको, और का ये काम क्या है ना। अब कुछ प्रोटीन्स होते हैं हमारे नॉन सिक्रीटरी बेटा, सारी सिक्रीशन नहीं करती है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं सिक्रीटरी। अब जो सिक्रीट करता है वो राइबोसोम्स का करता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसीलिए तो उसका सरफेस जो है बेटा वो रफ है। और जो प्रोटीन सिक्रीट नहीं करते वो क्या करते हैं, वो आप देख सकते हो साइटोप्लाज्मिक में जाके वो राइबोसोम को सिंथेसिस करने का काम करता है। समझ में आ गया? जी कोई है किसी को डाउट? चले आगे। यो मैम, ओके, साइटोस्केलेटन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको बाद में समझाती हूँ मैं, पहले ये देखो, ध्यान से देखना। उसको देखने से भी पहले एक चीज देखो, ये क्या दिख रहा है, व्हाट इज दिस, न्यूज़पेपर न्यूज़। न्यूज़पेपर मैम, ध्यान से सुनना, अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी ना तो आपको
माइक्रोट्यूब्यूल इजीली समझ में आ जाएगा, तो ध्यान से देखना क्या ये माइक्रोट्यूब्यूल न्यूज़पेपर 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 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस न्यूज़पेपर को फोल्ड करना शुरू कर दिया। क्या किया मैंने, फोल्ड अब फोल्ड देख रहे हो ना मैम, इसको कर्ल कर रहे हैं, कर्ल अंदर की तरफ, बाहर को तो नहीं ना कर रहे, ऐसे तो नहीं कर रहे ना मैम, अंदर को कर रहे हैं, कर्ल इनवर्ड टू फॉर्म सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। सो यू कैन सी दैट दिस न्यूज़पेपर इज टर्निंग इनटू अ सिलेंड्रिकल फॉर्म। पता नहीं क्या हो गया इसको। अरे यार, जब आप छोटे थे आप ऐसे बना के करते नहीं थे, मेरे को दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, ये करते थे ना, यस मैम अभी मैम भी करते होंगे, ये भाई सुनिधरा, बहन सुनिधरा, कान पे लगा देते हो, मैं बोलती तो सुन, उनको बता क्या सुनाई दे रहा है ना, करते हो ना, अभी भी करते हो, चार्ट पेपर लेकर आते हो, ये रास्ते में जाते देखते हुए जाते हो, भाई मुझे पहाड़ दिख रहा है दूर से, अरे मुझे बर्फ दिख रहा है दूर से, करते हो ना, यो मैम यस मैम वही है ये, दिस इज माइक्रोटिब्यूल। ठीक है, तो माइक्रोटिब्यूल का पता नहीं क्या आफत आ गई है इसको ना, चलो कोई बात नहीं, आफतें आती रहती हैं। अब ध्यान से देखना, जो बेटा ये वाला पार्ट होगा ना, पहला पार्ट, पहला जो आपको ऐसे बॉक्स दिखा, ऐसे इसमें लेयर्स दिख रही हैं, ये देखो एक ये लेयर दिख रही है या नहीं, मैम हाँ ये रहा, मेरे को मेरी फोटो है नहीं दिख रही थी, तो ये देखो, ये देखो कहाँ, देखो इधर दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है ना, ये वाला लेयर दिख रहा है, ये वाला, ओ ये वाला लेयर दिख रहा यस मैम है ना, यस मैम ये हो गया आपका अल्फा, अल्फा के एकदम पीछे बेटा बीटा, ये वाला लेयर, दिस वन, ठीक है, ये फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, जब ये अल्फा बीटा करके, ओके स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना, अल्फा बीटा करके जब इसके ऐसे स्ट्रक्चर बनी होगी बेटा, तब ये क्या होगा, इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलिन डाइमर, क्या कहते हैं, ट्यूबुलिन डाइमर, बिकॉज इसके पास अल्फा ट्यूबुलिन है, बीटा ट्यूबुलिन है, फिर अल्फा ट्यूबुलिन है, फिर बीटा ट्यूबुलिन है, फिर अल्फा ट्यूबुलिन है, फिर बीटा ट्यूबुलिन है, ठीक है, तो ये इस पूरे प्रोसेस को, एक रो को, ऐसे ही और रोज प्रेजेंट होती है, 13 रोज है इसकी प्रेजेंट, इसको हम बोलेंगे ट्यूबुलिन डाइमर, विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, समझ में आ गया। मैम अब बेटा ये जो यहां से लेके यहां तक का डायमीटर होगा आपका 25, और इसके अंदर, यानी इसके अंदर की अगर हम बात करें तो क्या होगा बेटा, 17 सेंटीमीटर। अब ये जो है ना यार, ये अपना अगर इसके अंदर मैं कुछ डालू, ये बहुत है हॉलो, हॉलो यानी गहरा, ऑब्वियस सी बात है, अगर इसके अंदर कुछ जाएगा, मैंने इस पेन को डाल दू इसके अंदर है ना, तो ये जाएगा तो ये क्या करेगा, हॉलो है ना, चला गया ना, अगर हॉलो ना हुआ, ज्यादा हुआ नहीं, ज्यादा हॉलो ना हुआ, तो ये क्या करेगा, बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, तो आप यहाँ खुद भी देख सकते हो कि ये कितना लंबा है, यहाँ पीछे तक है, देखो यहाँ तक दिख रहा है ना, ऐसे और भी लंबा, ये तो मैंने ऐसे ही नेट से निकाल दिया, कभी कभी कर लेना चाहिए ना चोरी इसलिए, ठीक है, ओ यार तुम चोरी मतलब पिक्चर और कुछ नहीं, ओके तुम यो मैम गूगल से ले सकते हो, ऐसे मैम बोल रहे हैं, सिर्फ पिक्चर लेनी है तुम्हें, पढ़ाई की और किसी की नहीं, ठीक है, चलो तुम गर्ल को कहोगे मैम ने कहा था कि चोरी कर सकते हैं, हम चोरी कर लिया है, और फिर बाद में पता लग रहा है मैम को कि यार क्या ही चोरियां कर रहे हो तुम, कोई चोरी वोरी नहीं करेगा, चलो यहाँ ध्यान तो सुनो, ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, समझ में आ गया, दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल, फाइन, यो मैम यस मैम अब देखो ध्यान से सुनो, अब ये क्या कह रहा है यार, अभी साइटोस्केलेटन जो है वो पूरी माइक्रोट्यूब्यूल बता दी, लेकिन मैंने साइटोस्केलेटन नहीं बताया, साइटोस्केलेटन कुछ नहीं है बेटा, दैट इज ओनली द नेटवर्क ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ सेल, नॉट नेटवर्क, फ्रेमवर्क ऑफ सेल, कहाँ गया, फ्रेमवर्क ऑफ सेल, ठीक है, और फ्रेमवर्क कहाँ पे, ये स्ट्रक्चर बनाता है साइटोप्लाज्म की तरफ, ऑब्वियस ही बात है, स्केलेटन है तो मतलब कुछ तो शेप बनाएगा ना यार, इसीलिए, सो इट हेल्प्स, सॉरी यू कैन ओनली सी इन यूकेरियोटिक सेल, और ये प्रोटीनेशियस होता है नेचर में, ये शेप को मेंटेन करने का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मोटिलिटी करने का काम करता है, अब मैंने माइक्रोट्यूब्यूल समझा दिया, यहां तक तो कोई डाउट है, ठीक नो मैम है,
बेसल बॉडी आप देख सकते हो, सिलियन फ्लैजेला पढ़ेंगे अभी, है ना, बुक में है ना अपना, या नहीं है? नहीं है सिलिया फ्लैजेला, भूल गए तुम? है मैम, यस है यस, तो सिलिया फ्लैजेला भी बढ़ेंगे, टेंशन ना लो। सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर, इन सब में आपको माइक्रोट्यूब्यूल दिखेगा। अब स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है बेटा? ये क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने का काम करती है। स्पिंडल फाइबर के पास जाके चिपक जाता है ना, एक मोमेंट ऐसा आता है कि क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं एक दूसरों से, अभी तो चिपके हुए हैं ये साथ में। टाइम आता है, बताऊंगी कहाँ पे आता है वो टाइम, बता दूं अभी? यो मैम, यो मैम, ये रहा आपका क्रोमोसोम, है ना, स्पिंडल फाइबर के साथ चिपके हुए हैं ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा फेज है, किसी को पता है? नहीं पता, मेटाफेज, ठीक है, यस। अब जब ये क्रोमोसोम्स, अब देखो आपको सेल डिवीजन वाला चैप्टर नहीं पता, पेपर में नहीं आ रहा किसी के, नहीं आ रहा? एनाफेज यस, दिस इज एनाफेज। अभी ये जा रहा है धीरे धीरे, इसके पास चला जाएगा, एनाफेज, टीलोफेज, सब कुछ, ठीक है। तो जब बेटा ये, इसको कहते हैं मेटाफेज, जब वो चिपके हुए हैं, फिर वो दूर 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 जाएगा विद हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल का काम क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम को सेपरेट करने का काम, ठीक है, खींच के ले जाता है वो। सो दिस इज नोन एज योर एनाफेज, फाइन। चलो वापस आते हैं, तो आप ये सिर्फ देख सकते हो यूकेरियोटिक में, और इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, देखा ना आपने, ये देखो ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स है ऐसे यस प्रेजेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ओके। चलो, सो इट हैज अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन एंड दिस इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, दैट मींस इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। कहाँ होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन? इतनी बार बता दिया मैंने, पिछले दो लेक्चर में बता रही हूँ, बच्चों भूल गए तुम? मसल्स में यार, मसल्स में। चलो, यस मैम, यस मैम, बस यस मैम एंड यो मैम आता है, बाकी रह गया सब कुछ। हाँ, अभी देखो ये मैंने सब आपको समझाया था ना, ये रहा आपका, रुको, ये रहा आपका मेटाफेस, ये रहा आपका एनाफेस। इसको रुक जाओ, लिखना मत अभी कुछ भी, सुनो ध्यान से, पहले मैं टाइम दे दूंगी लिखने का। अच्छा हाँ, एक सेकेंड, जैसे शीट राइट। अब मैम ने क्या किया, इसको कर्ल किया अंदर की तरफ और इसको सिलेंडर शेप बना लिया बेटा। अब मैं इसको अंदर की तरफ करता रही हूँ, क्या इसमें एनर्जी लग रही है? क्या इसमें एनर्जी लग रही है बच्चों? क्या इसमें एनर्जी लग रही है? पता है तुम्हें, तुम्हारे को मैं जैसे पढ़ाती हूँ ना, मेरी रूममेट वीडियोस बना रही है, वो मेरे दोस्तों को भेजती है, पता है आपको? अब तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो यार। अरे कौन मैं? एनर्जी कौन का क्या मतलब है? बताओ, इसमें एनर्जी लग रही है? यस यस मैम, yes, मैम। यस मैम, यो अब मैं मैम, इसी को ही ओपन करूं तो एनर्जी लगेगी? लगेगी ना यार, क्या हो गया, इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया तुम तो, ऐसे बैठे हुए जैसे नासा में सवाल नहीं पूछ लेते कि यार व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा मैम, आई डोंट नो। वो चलो फिर भी आई डोंट नो बोल देते हैं, आप तो वो भी नहीं बोल रहे। हाँ यस मैम, वेरी गुड, तुम चैट पे बोल, ठीक है। अब देखो इसमें भी एनर्जी लग रही है और इसमें भी एनर्जी लग रही है। सो वेन एवर यू असेंबल द माइक्रोट्यूब्यूल राइट, Whenever you assemble the microtubule and you disassemble the microtubule, दोनों टाइम ही बेटा एनर्जी लगती है, बट एनर्जी वो किस फॉर्म में लगती है? जीटीपी और कैल्शियम के फॉर्म में। तो मेरी बेइज्जती करवा रहे हो मेरे दोस्त के सामने, पता तुम्हें? पढ़ते नहीं हो, जवाब ही नहीं दे रहे हो। चलो कोई बात नहीं, दुख सहा जा रहा है। सीन इन स्पिंडल फाइबर एस ट्यूब्यूलिन फाइबर, ठीक है, ये क्या करेगा बेटा? ये स्पिंडल फॉर्मेशन करेगा, यही तो बताया मैं इतनी देर से बता रही हूँ ना, ट्यूबुलिन फाइबर्स बनाएगा जो कि ये माना जाएगा स्पिंडल्स में, ठीक है। ये हेल्प करेगा एनाफेसिक मोमेंट ऑफ क्रोमोसोम, राइट नाउ आई जस्ट टोल्ड यू, अब जब सेल डिवाइड करेगा अपने आप को तो ये टाइम आता है कि एनाफेज में क्रोमोसोम दूर हो जाते हैं, बट उससे पहले मेटाफेज आता है। मेटाफेज में क्या होता है कि वो क्रोमोसोम चिपके होते हैं और वो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल से दूर होते हैं मेटाफेज में,
लेकिन जब वो एनाफेज में आ जाते हैं, क्रोमोसोम हो जाते हैं सेपरेट विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर एंड दे गो टू सेंट्रोसोम एंड सेंट्री, गॉट इट, विच आर एट द पोल्स. एनी डाउट्स? नो नो. मैम, हाँ बेटा नीलम पूछो, क्या हुआ, डाउट पूछो. नीलम चैट पे लिख दो, नहीं तो बेटा अगर आपको, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैम नेटवर्क इशू हो रहा है बार बार. ओके मैम इसमें कुछ नहीं कर सकते. बाकियों का आवाज आ रही है मेरी? ठीक यस मैम, यो मैम, है. तुम लोग पढ़ते नहीं हो, देखो मेरी वीडियोस बन रही हैं, थोड़ी थोड़ी देर में स्टेटस में डल जाएगा वो, और फिर उसके बाद मैम को टैग करके चिढ़ाते हैं. फिर कितने अच्छे से पढ़ा रही हूँ यार तुम्हें मैं, एग्जाम्पल ले लिखी न्यूज पेपर कभी टमाटर पता नहीं क्या क्या, और तुम कोई जवाब ही नहीं देते हो. अभी भी कोई जवाब नहीं आ रहा है. तुम लोग सुन रहे हो? यो मैम, यस मैम, यो तो तुम्हें अच्छा लगता है कि मैम मैम, को चुप रहे? मैं ऐसा करती हूँ, मैं भी चुप रहती हूँ, ठीक नो मैम, नो है? तो सॉरी, तुम बोलते क्यों नहीं हो फिर? इसका भी जवाब नहीं है तुम्हारे पास, किसी का जवाब ही नहीं है बस, है ना, सन्नाटा चाहिए तुमको. बेटा तन्वी मैं ये बोल रही थी कि जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ना यहाँ पे, जब वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, तो इस फेज को हम बोलते हैं बेटा मेटाफेज. ठीक है, ये आप पढ़ेंगे सेल डिवीजन में. ये तो बस अभी थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि मैंने कहा था कि आपका सेल जो चैप्टर है वो हर एक के साथ कनेक्टेड है, तो आप देख सकते हो कि कहाँ पे कैसे कैसे कनेक्टेड है ना. ये स्पिंडल फाइबर है, ये पोल्स अपनी अभी तो दूर हैं इनसे, स्पिंडल की मदद से ये क्रोमोजोम बेटा दूर हो जाते और ये धीरे धीरे जाके चिपकते हैं पोल्स के पास. बट अभी दूर हो गए, सेपरेट हो गए, तो उसको हम बोलेंगे एनाफेस. ठीक है, तो इसको बोलेंगे एनाफेस एक मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स. फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. अब ये वाला थोड़ा ध्यान से सुनो बेटा, ये है आपका न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है प्लांट सेल का, न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ प्लांट सेल. सो हियर यू कैन सी दिस इज अ न्यूक्लियस, इन दैट देयर इज अ क्रोमोसोम, दिस इज आल्सो अ न्यूक्लियस, इन दैट यू कैन सी अ क्रोमोसोम. ओके दिस इज द न्यूक्लियस, दिस वन इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में बेटा एक प्लेट है, सेल प्लेट कहते हैं इसको, सेल प्लेट. अब इसका काम क्या होता है यार, ये बैठ के करता है इलोंगेट, अभी इतना है, थोड़ी देर में ये इतना हो जाएगा, फिर ये इतना हो जाएगा, पूरे में ही ये फैल जाएगा. ठीक है, वो नहीं होता यार अपना दीमक, एक बार लग जाए तो वो किच नहीं छोड़ता है ना, सब खा जाता है बस वही. ठीक है, तो अपने आप को इलोंगेट करता चलाएगा, इलोंगेट करता चला जाएगा, पर करेगा कहाँ पे, गॉजी में करेगा, स्पिंडल फाइबर की हेल्प से ट्यूबुलेंस में भी करेगा. ठीक है, समझ में आ गया? अब ये जो सेल प्लेट की फॉर्मेशन हो रही है उसको बोलते हैं हम, सॉरी आप ये कहाँ देख सकते हो, प्लांट साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस है क्या, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, बस यही है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है. सॉरी मेरा वो माइक नहीं चाहिए था. ठीक है, तो बस यही, और करता क्या है ये, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. अब यार इसके पास इतना कुछ है तो ट्रांसपोर्ट तो करेगा, जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, इतने बड़े डॉक्टर्स बन जाओगे, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई न्यूरोलॉजिस्ट, कोई कार्डियोलॉजिस्ट, इतना सारा पैसा आ जाएगा, कहीं तो घूमने जाओगे, ऐसा तो नहीं रख के रखोगे, हाँ यार मेरे 2,000 खत्म नहीं होने चाहिए, मेरे 10-20 लाख खत्म नहीं होने चाहिए, ऐसे रखोगे, ऐसे तो नहीं होगा, नो मैम, है ना, उड़ाओगे ना कहीं बढ़िया बढ़िया खाना खाओगे, है ना. अभी तो चलो आप छोटी छोटी मैगी मूगी से काम चला रहे हो, बड़े होके खुद ही नूडल्स बना रहे होंगे, है ना मैम की तरह, फिर उसके बाद केक और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ. ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें, सॉरी मैं बोल रही थी, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ये. ठीक है, प्लांट सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, गॉट इट? यस मैम, यस यो मैम, एनी डाउट? नो मैम. ठीक है, ओके सो आगे चलते हैं. अब माइक्रो फिलामेंट्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, इसको भी छोड़ो, अरे यार मैंने सभी में समझा रखा है, एक सेकंड. आपको माइक्रो फिलामेंट बेटा ये देखो, ये है आपका, पहले डायग्राम समझ लो फिर इजी हो जाएगा आपको. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स जुड़े हुए हैं ऐसे, मतलब मैंने थोड़ा दूर दूर बना दिया, बिल्कुल ही चिपके होते ऐसे। अब मेरे को खुद बताओ, कोई किसी के साथ चिपक जाए है ना, तो वो तो उसको सपोर्ट ही करेगा ना। अब जैसे अगर आपने एक छोटा सा डॉग पाल लिया, पपी पाल लिया, पपी क्या करता है, उसके पास काम तो होता है नहीं, वैसे कूद कूद के उसी के पास जाता है जो उसको पसंद है। बस माइक्रोफिलामेंट भी यही करता है, कूद कूद के, कूदता तो नहीं है बस, मतलब चिपक के बैठ जाता है, सपोर्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके अंडरस्टूड? यस मैम, ठीक है। तो अब ये दिखता कैसे, या रॉड जैसा दिखता है, तो अभी आपने पीछे देखा ना ऐसे बना हुआ था ऐसा कुछ गोल गोल, रॉड रॉड तो गोल ही दिखता है ना हमें, तो इसकी लेंथ इनडिफिनाइट है, अनब्रांच्ड होता है ये। अच्छा हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने स्टार मार्क कराया था लास्ट बैच को भी, तो आप भी कर लो प्लीज कृपया करके, कि यार इसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एक्टिन प्रोटीन है इसका नाम, एक्टिन प्रोटीन, प्लीज याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। Which protein plays the vital role in microfilament and that is which protein? एक्टिन। Yes, actin protein. ठीक है, and it is divided further in two parts. That is one is filamentous F, one is G globular. बेटा filamentous यानी filaments present होंगे, globular यानी globe, यानी globe गोला गोला। ठीक है, समझ में आ गया? शिवानी सोना, हाँ जी बच्चे पूछो। गलती से हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं, और कोई से को कोई डाउट यहाँ तक? चलो आगे फिर। ठीक है, तो फिर ये कहाँ है, देखो हाँ मैंने बोला ना एसोसिएट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, से चिपक के बैठ जाता है। ठीक है, सपोर्ट करता है, इसका काम क्या है, सपोर्ट करना है किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ऑब्वियसली उसके साथ एसोसिएटेड है तो उसी को ये सपोर्ट करेगा ना। अब एक डॉग क्या होता है, वो लाइबल रहता है, सबसे ज्यादा मम्मी तो खाना देती है बच्चों को भी, और अगर हमने कोई पेट पाला होता है वो भी है ना, वो वेट करता है हाँ मेरी मम्मा मुझे कब खाना देंगी, तो वैसी। ठीक है, तो फिलामेंट माइक्रो फिलामेंट भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चिपक के बैठा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन बेटा, साइलोसिस, साइलोसिस दैट इज, अब इसको मैं न्यू पेज पे बना देती हूँ, यहाँ पे नहीं, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है आपका वैक्यूल। बेटा वैक्यूल के आसपास जो साइटोप्लाज्म घूम रहा है, वैक्यूल के आसपास जो साइटोप्लाज्म घूम रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म घूम रहा है वैक्यूल के आसपास, उसको हम बोलेंगे साइलोसिस। ठीक है, ओके सॉरी आई थॉट किसने हैंड रेस किया। चलो समझ में आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक? पिक्चर मैम ने इसलिए बनाया यार आपको इजी लगे, तो समझ तो आई है क्या, अब इतना सारा पढ़ लिया बट याद ही नहीं हो रहा मैम, क्यों? क्योंकि मैम हमें समझ ही नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें डायग्राम नहीं समझ आया, तो डायग्राम ही समझा दे ताकि आपको समझ में आए कि ये है क्या। ओके अंडरस्टूड टिल हियर? यस मैम, समझ अगर सब आ जाता तो पढ़ के भी आ जाया करो, अच्छा लगेगा मैम को। ठीक है, तुम देख रहे हो यस मेरा मैम, नहीं आते हो ना, तुम यस क्लास में बोलते हो है, फिर मेरी फ्रेंड फोटो बनाती रहती है, एक चीज कुछ बना रही हो मैं पढ़ा रही हूँ, तुम जवाब ही नहीं देते हो, शरारती से। चलो सबके सब, ओके सूडोपोडिया फॉर्मेशन इन अमीबा, ऑब्वियसली यार अमीबा की हड्डियां होती हैं क्या, मैम, उन ऐसे ऐसे चलता है वो, ऐसे खा लेते हैं, सूडो यानी बेटा नकली, नकली फॉर्मेशन है, उसके पास कुछ मैम नहीं है, तो आप वो देख सकते हो इसमें। अच्छा वो सॉरी, इफ दिस प्रोसेस यू नो दिस प्रोसेस विच इज नोन एज साइक्लो साइटो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ओके गॉट इट, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? कौन है ये, रिजॉइन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा रिजॉइन यार, आई डोंट नो। चलो ओके, हेल्प्स इन एमोबियोइड मूवमेंट, ठीक है अमीबा की मूवमेंट, एंड फरो फॉर्मेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फरो फॉर्मेशन यानी बेटा ये देखो, ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है कि ये अपने आप को डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स में बना देगा है ना, और लेकिन फरो फॉर्मेशन बोलते किसको है यार, ये इस चीज को बोलते हैं,
इस चीज को, ये जो धीरे धीरे गड्ढा बनता जा रहा है ना इसके अंदर, ऐसा ये गड्ढा बनता ही जाता है बनता ही जाता है, तो एक टाइम आता है कि यार ऐसे हो जाता है, फिर ये ऐसे हो जाता है, फिर ये ऐसे हो जाता है, और फिर ये ऐसे हो जाता है, अलग अलग बन जाते हैं, तो ये ऐसे बन जाते हैं, इनको कहते हैं हम डॉटर सेल्स। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन जो है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? फरो फॉर्मेशन। अंडरस्टूड, क्लियर और नॉट? यस ठीक है, सर। तो यही था यहाँ पे, आप देख सकते हो मैम ने बनाया है नोट्स, मैम आपको कर देंगे सेंड। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, बस ध्यान से सुनो, मैम आपको नोट्स थोड़ी देर में सेंड कर देंगे, टेंशन ना लो, बस ध्यान से सुनो, एक बार कॉपी साइड पे रख लो। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट में बेटा क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट है आपका कहाँ गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट में एसिड प्रोटीन होते हैं, अनब्रांच होते हैं, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, अराउंड द न्यूक्लियस होता है, स्कैफोल्ड। बहुत जल्दी बोल दिया मैंने, रुक जाओ, तुम्हारे लिए मैं यहाँ पिक्चर ही बना देती हूँ। कहाँ गया ये देखो, अब देखो ये जो पार्ट है उस, एक सेकेंड, मैंने बच्चों को यही समझा दिया था, ये पार्ट देखो, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना यार, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, यही पढ़ रहे हैं हम अभी, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इसके अंदर केराटिन होता है, बालों में लगाते हैं ना केराटिन नेटवर्क, करवाओ केराटिन ट्रीटमेंट करवा लो, बाल खम हो गए मैम आपके, हेलो मैम एक्सक्यूज मी, क्या आप केराटिन करवाएंगी, क्या कराना चाहेंगी, हम आपको डिस्काउंट देंगे, ऐसा वो सुना है ना, यस मैम। है ना? यस केराटिन नेटवर्क आपके यहाँ पे प्रेजेंट है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर, ठीक है, और उसके साथ ऐसे स्पिंडल लाइक चीजें प्रेजेंट होती है, तो दिखाई भी नहीं दे रहा यार, ओके स्पिंडल ऐसे धागा, धागा वैसे तो सब कुछ धागा ही है, ये भी धागा वो भी धागा। अब मैंने ये बताया ना, ये माइक्रोफिलामेंट्स हो गई, इसके अंदर ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में है, विच यू कैन सी दे आर इन स्पिंडल फाइबर्स, इकट्ठे हो जाते हैं तो स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, और यहाँ पे केराटिन नेटवर्क है, तो ये एसिडिक प्रोटीन है, अनब्रांच्ड है बेटा, नो ब्रांचिंग, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, यानी मसल्स में आप नहीं देख सकते, आप सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड देख सकते हो, उसके आगे पीछे घूमते हैं, और इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, इसको स्कैफोल्ड कहते हैं, जो कि आप क्रोमैटिन के सामने देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है, कोई डाउट है? नो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, दिस इज द लास्ट थिंग, बट ध्यान से सुनो ये बोल क्या रहा है, ये इसके अंदर कुछ ऐसा सा प्रेजेंट है, ठीक है, विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, ये कौन सा एंगल ऐसा बनाता है, 90 डिग्री, है ना, राइट एंगल। इसको हाँ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर बोलते थे ना, हेंस यस प्रूव सर। दिस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वही वही, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 90 डिग्री का ये बना हुआ है। ठीक है, तो बेटा ये जो है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीओल, इसके आसपास जो प्रेजेंट, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्री, हाँ कौन बताएगा मैम, तो भूल गए, मैम को तो याद ही नहीं आ रहा, अरे तुम इतनी तैयारियां कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं, भूल गए मैम, मेरे को भी नहीं याद आ रहा, जल्दी जल्दी बताओ क्या है सेंट्री, अरे लिक्विड प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, हेलो आवाज आ रही है, हेलो यस मैम। कहाँ गायब हो गए सारे, मैम सेंट्रियोल है तो इसके आसपास ही क्या है, मैट्रिक्स जैसा, दूसरा नाम काइनोप्लाज्म, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इट्स बीन आस्क्ड इन द पेपर नीट का पूछा गया है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस, तो दिस इज दिस काइनोप्लाज्म, व्हाट इज दिस, ये तो इजी है, सेंट्री सेंट्री नाम तो भूल गए मैम को तो याद ही नहीं, सेंट्रियोस्फेयर, क्यों सेंट्रियोस्फेयर बेटा, क्योंकि इसमें डॉट्स प्रेजेंट है, मैट्रिक्स जैसा दिखता है, इसका दूसरा नाम है काइनोप्लाज्म, इस पूरे को हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, दैट इज, इट इज आल्सो नोन एज डिप्लोसोम, ये भी पूछा गया है, ठीक है, द अदर नेम ऑफ सेंट्रोसोम, फाइन, सो इसमें आप देख सकते हो ऐसे गोल गोल से लंबे, आपने अनियन वो देखे हैं, अनियन स्प्रिंग अनियंस, ऐसे उससे लंबे से देखे किसी ने, ऐसा दिखता यस है मार्केट में मिलता है ना, तो वो स्प्रिंग अनियन जैसा ही है ये, तो आप ये देख सकते हो टोटल 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 ही है वैसे तो, ठीक है, 9 ट्रिपलेट्स इकट्ठे प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे सेंट्रीओल, ठीक
ये जो है ये सेंट्रियोल चिपके होते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप होती है इसकी। आप ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल में देख सकते हो, फंजा और एल्गे, लेकिन प्लांट्स में नहीं होते, हायर प्लांट्स में नहीं होते। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? ये नाम याद रखना, काइनोप्लाज्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रोस्फेयर का दूसरा नाम, और सेंट्रोसोम का दूसरा नाम इज डिप्लोजोम। एनी डाउट्स? कल हम क्या करेंगे, इसको जूम करके पढ़ेंगे, थोड़ा समझ में आएगा आपको। देखो ऐसे दिखता है ये, कहाँ गया ऐसा कुछ। ठीक है, बस दैट्स इट। कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ। नो मैम, नो मैम, कोई डाउट नहीं है, सब समझ में आ गया, बढ़िया है। फिर तो गाइज आप लोग रिवाइज करना शुरू कर दो। आई अंडरस्टैंड आप लोगों का एग्जाम है, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि ये चैप्टर खुद देख रहे हो ना। अभी आज हमने कल क्या पढ़ा, तो उसमें टीसीए और कौन निकला, कौन सी साइकिल, क्रैब्स, वेरी गुड, क्रैब साइकिल। ठीक है, टीसीए एंड क्रैब साइकिल आज हमने पढ़ा। आज क्या निकला, कल, अच्छा सेल साइकिल निकल गया, आज क्या निकला, अरे आज क्या निकला, सेल डिवीजन नहीं निकला, मेटाफेज एनाफेज नहीं किया आज, भूल गए यार, अभी तो 10 मिनट पहले ही पढ़ा है तो वो भी भूल गए। तो सेल डिवीजन था या नहीं? जो जो मैम था, ये मैम बार बार कह रहे हैं, कृपया करके पढ़ लीजिए। आई डू अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा ठंड है चंडीगढ़ में भी, बहुत ठंड है आई नो, और तुम तो और ऊपर रहते हो तो बहुत ज्यादा ठंड है, बट पढ़ना तो नहीं छोड़ोगे ना, एग्जाम में ये तो नहीं दोगे ना मैम को कि मैम बहुत ठंड थी इससे मैं पढ़ नहीं पाई, मैं पढ़ नहीं पाया, ऐसा तो नहीं बोल पाओगे ना, बोल पाओगे? और मैम मान जाएंगे, मैम तो कहेंगी मैं तो मस्त आग सेक रही थी, तुम्हारी मर्जी है, वो तो तुमने पढ़ना है, पढ़ो नहीं पढ़ना ना पढ़ो, है ना।